मिर्गी एपिलेप्सी का रोग बहुत ही खतरनाक होता है। जिसको ये रोग हो जाता है वह जिंदगी में असहाय हो जाता है, पराधीन हो जाता है। गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय, सड़क रोड क्रॉस करते समय अथवा कई बार ऐसे मौके होते हैं यदि वहाँ अचानक एपिलेप्सी का अटैक पड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन ही संकट में पड़ जाता है। एलोपैथी में इसका कंट्रोल तो है लेकिन क्योर नहीं है, और लंबे समय तक एपिलेप्सी की मिर्गी की दवाई खाने से मेमोरी और डल हो जाती है, वीक हो जाती है, और फिर आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता है। फिर आदमी सुबह से शाम तक मायूस उदास सा रहता है और उसके जीवन में डिप्रेशन आ जाता है। बहुत दिक्कत है, क्या करें। मैंने देखा है जिनको 20-30 सालों से, किसी किसी को तो 50 सालों से एपिलेप्सी के अटैक पड़ते थे, उन्होंने प्राणायाम किया और प्राणायाम में भी मुख्य रूप से अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीथ ये ज्यादा लाभप्रद होते हैं। यूं तो आठों के आठ प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्रणव लाभदायक होते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये तीन प्राणायाम विशेष रूप से लाभप्रद होते हैं एपिलेप्सी के रोगियों के लिए। ये प्राणायाम का अभ्यास करवाया और एक एक गोली सुबह शाम मेधावटी की दी, जिसमें ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, उस्तखदूस है, गाजवान है, सौंफ है, वचा है, पुष्करमूल है, अश्वगंधा है, ये सारी औषधियाँ होती हैं। मेधावटी छोटी उम्र के बच्चों को एक एक और बड़ी उम्र में दो दो गोलियां भी हम देते हैं। मेधा क्वाथ वो भी एक एक चम्मच पिला देते हैं, उससे भी अद्भुत लाभ होता है, काढ़ा बना करके पिला देते हैं। और किसी किसी को पीपल की या बड़ की जो दाढ़ी होती है, जटा होती है, उसको भी उबाल करके पिला देते हैं, उससे भी अद्भुत लाभ होता है। जिनको एपिलेप्सी अटैक बहुत पड़ते हैं उनको सारस्वत अरिष्ट भी पिलाया जाता है, उससे भी उनको विशेष लाभ होता है। बादाम पीस करके 3 से 5 बादाम पिला देते हैं, रात को भिगो दिया और सुबह अखरोट भी खिला देते हैं, उससे उसकी गर्मी भी नहीं करता है और वह मस्तिष्क के लाभप्रद होता है। मेधावटी का प्रयोग करा करके और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करा करके हमने बहुत लोगों की मिर्गी की प्रॉब्लम सदा के लिए ठीक की, उसको क्योर किया है। ये बड़ी बात है, एलोपैथी में ऐसा संभव नहीं है। और ऐसे बहुत से भाई बहन वो प्राणायाम करके और मेधावटी का सेवन करके पूरी तरह से ठीक हो चुके और हमारे शिक्षक बन करके काम कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको भी मिर्गी की प्रॉब्लम है, आप निराश ना हो, आप प्राणायाम करें, मेधावटी का सेवन करें और रिंग फिंगर के टॉप पर ये जो मास्टर पॉइंट है इसको दबा लें, और मास्टर पॉइंट के साथ साथ आप इस अंगूठे के भी ऊपर पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और मस्तिष्क के लिए जो पॉइंट होता है इसको दबा लें तो आपको मिर्गी की बीमारी में, एपिलेप्सी में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।